रश्मि क्या हुआ, क्या सोच रही है? दीदी क्या करूँ इस लड़के का, हर रोज घर के इतने सारे काम करवाती हूँ, फिर भी ये हार मानने को तैयार नहीं है। हाँ यार सही है, एक काम कर दे, जो मेहमान आके गए हैं ना उसके सारे बर्तन इसको धुलने के लिए दे दे, तो इस बार तो वो पक्का चली जाएगी घर छोड़ के। ये सही कहा आपने। क्या करिए, चल जाके देख, उसको दे दे सारे बर्तन। हितांशी। हाँ बोलिए माँ। चलो उठो यहाँ से, बहुत हो गई पढ़ाई, आज घर पे बहुत सारे गेस्ट आए थे तो उन सबके बर्तन तुम माजोगी। ये आप क्या कह रहे हो माँ, आपको पता है ना कल मेरी एग्जाम है, फिर भी। मम्मी मम्मी आप दीदी को परेशान क्यों कर रहे हो, दीदी की एग्जाम है ना। आन्या तू बीच में मत बोल और चुपचाप से अपनी पढ़ाई कर। और हाँ तुम ये सब पढ़ाई के बहाने मुझे मत सिखाओ, सुबह से वैसे भी बहुत पढ़ाई हो चुकी है। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, थोड़ी देर के बाद आ जाऊंगी। मैं यहाँ कोई तेरे ऑर्डर सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ, एक बार बोला ना बर्तन अभी मांजने हैं तो मांजने हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। मम्मी मम्मी मैं भी जाऊंगी दीदी के साथ बर्तन मांजने। तुझे एक बार बोला ना पढ़ाई कर अपनी, वरना लगाऊंगी एक चोटा। और तू चल यहाँ से, चल। हितांशी ने सारे बर्तन मांज लिए, उसको बुलाती हूँ कि आके मेरे पैर दबा दे। हितांशी, ओ हितांशी, हितांशी कहाँ रह गई, इधर आ। हाँ जी मासी। क्या आवाज दे रही हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या तुझे? आज मेरे पैर बहुत दर्द कर, चल मेरे पैर दबा दे। मासी मैं अभी बहुत सारे बर्तन मांज के आई हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ तो थोड़ी देर पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर पैर दबा दूंगी। हितांशी ये सारा नाटक ना मेरे सामने नहीं चलेगा, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चल मेरे पैर दबा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है, चल शुरू हो जा। बस बस कुछ नहीं, ले ये बाम ले, बाम लगा दे और जब तक मैं ना बोलूं तब तक रुकना नहीं है, ठीक है? चल शुरू हो जा। आखिरी दिन होगा इस घर में। वो कैसे? मैं ना कुछ ऐसा करने वाली हूँ जिससे वो खुद अपने पापा को बोलेगी, पापा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे अनाथ आश्रम में रहने जाना है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है दीदी। चलो बहुत हो गया ये नाश्ता वास्ता, तुम्हारे पापा की कार है ना बहुत खराब हो चुकी है तो जाके वॉश करना है, चलो उठो। तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, प्लीज आप मुझे आज काम मत दो ना। ये सब एक्टिंग मेरे सामने नहीं चलेगी, छुट्टी कहीं की। माँ सच्ची में मेरी तबीयत खराब है,
कल से मैंने कुछ नहीं खाया, तो मैं थोड़ा खा लूं। एक बार बोला ना चलने को, तो चल यहाँ से, चल जल्दी। ठीक से साफ कर। अरे क्या हुआ? काल तो सच में भी होश हुई, क्या करूं? उठो हितांशी, हितांशी। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? हाँ फिलहाल तो सब ठीक है, पर हितांशी में काफी वीकनेस लग रही है और इसे थोड़ा बुखार भी है। मैं आपको दवाइयाँ लिखकर दे रहा हूँ, आप इसको टाइम टाइम पे दवाइयाँ देते रहना जरूर, और इसके खाने पीने में खास ध्यान रखना। श्योर डॉक्टर। ओके, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा, तब तक हितांशी को काफी रेस्ट की जरूरत है, और आज से इनका पढ़ाई, खेलना कूदना सब बंद, खाली रेस्ट ही करना है। ठीक है? ठीक है सर। कैसा लग रहा है बेटी? अच्छा लग रहा है। पापा मैं एक बात बोलूं? नहीं अन्या। दीदी आप चुप रहो। बोलो अन्या बेटा, क्या बात है? पापा पापा मम्मा और मासी बहुत बुरे हैं। पापा मम्मा और मासी दीदी से रोज काम करवाते हैं, खाना भी नहीं देते, पढ़ाई भी नहीं करने देते और बहुत गुस्सा करते। मासी जब से आई है मम्मा बहुत बदल गई। रश्मि दीदी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप लोगों ने क्यों किया इसके साथ ये सब? तुषार को, अरे तुम कोई सफाई मत दो अब मुझे। रश्मि, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा समझा था, पर तुमने दो दिन में ही अपने रंग बदल दिए। तुम एक बहुत घटिया सोच वाली लड़की हो। तो सर, एक्चुअली गलती उसकी नहीं मेरी थी। हितांशी की हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। मेरे ही भड़काने पर रश्मि ने हितांशी के साथ ये सब किया है। क्या ये सब आपने करवाया? लेकिन आपके इस छोटी सी बच्ची से क्या दुश्मनी है? आप तो इसको सही से अब तक जानते भी नहीं। दरअसल जब रश्मि ने मुझे इस लड़की के बारे में बताया, तब मुझे डर लगा कि आगे जाके ये लड़की तुम्हारे जायदाद में हिस्सेदार ना बन जाए, इसीलिए मैंने ये सब किया। दीदी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आपकी सोच इतने हद तक गिर सकती है। अरे मैंने तो इस लड़की की जिम्मेदारी इसलिए ली थी ताकि पढ़ लिख कर हमारे देश का नाम रोशन करे। पता नहीं आज भी हमारे देश में कुछ लोगों को बेटियां भोज क्यों लगती है। ये सारी गलती मेरी है, लेकिन मैं इस बात को समझ चुकी हूँ कि हमें देश की हर एक लड़की को सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाए। हाँ तुषार, दीदी की बातों में आकर मैंने हितांशी के साथ बहुत ही गलत किया है, लेकिन आज के बाद मैं वादा करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे जो भी हो जाए। हितांशी बेटा, मैं तुम्हारी माफ़ी के काबिल तो नहीं हूँ, पर हो सके तो मुझे माफ़ करना। मैं आज ही अपने घर लौट जाऊँगी। प्लीज़ तुषार, मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो सज़ा देंगे मुझे वो मंजूर है। पापा पापा, आप इनको कुछ मत कहिए, ये दोनों बहुत अच्छे हैं, और मासी आप घर छोड़ कर मत जाओ। देखा आपने, आपने इसके साथ कितना गलत व्यवहार किया, फिर भी ये क्या कह रही है? ये होती है बेटिया। अब सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हारी मम्मा और तुम्हारी मासी दोनों तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाय तांजी, अब हम तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे।